हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। मैं हमेशा आपको अमेजिंग जानकारी देता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। आज दोस्तों जो मैं जानकारी देता हूं वो बिल्कुल अमेजिंग है। अमीर बनिए, आप अपनी खुद की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ब्रांच, खुद की कंपनी यूरोप में कैसे खोलनी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो अमेजिंग टिप्स, वो अमेजिंग थिंग्स, वो अमेजिंग चीजें, वो अमेजिंग डिप्लोमेटिक चीजें जिसे आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की खुद की ब्रांच, खुद की कंपनी यूरोप में आप कैसे खोल सकते हैं दोस्तों। हमारी जो कंपनी सुप्रिया ग्लोबल एक्सिम कंपनी हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है दोस्तों। 2 दिन की वर्कशॉप होती है। पहले दिन हम इंडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में आपको बताते हैं, इंडिया में कैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, कैसे इंपोर्ट ड्यूटी होती है, कैसे शिपिंग की जाती है, और कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं ये बायर असली है या डिफॉल्टर है दोस्तों। अब दूसरे दिन जो हमारा कॉन्टिनेंटल डेज होता है दोस्तों, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के रूल रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। पैकेजिंग की साइंटिफिक तरीके बताते हैं, पैकेट करके कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। आज मैंने बिल्कुल डिफरेंट चीज लाई है दोस्तों। अपनी खुद की कंपनी, खुद की ब्रांच, खुद की कंपनी की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ब्रांच आपको यूरोप के देशों में कैसे खोलनी है, कैसे बिजनेस ग्रो करना है दोस्तों। बहुत हो चुका, अब आप अमीर बनने के एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अमीर देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए, आप पैसा आप पे बरसेगा दोस्तों। आज मैं बता रहा हूं एक ब्रांच एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी की यूरोप में कैसे खोलनी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5 टिप्स मेरे याद रखिए। पहला, रेजिडेंसी परमिट। दूसरा, शेंगेन वीजा। तीसरा, बीटीआई नंबर। चौथा, चैंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन। पांचवा, कहां से, किस 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 देश से आपको शेंगेन वीजा मिलता है दोस्तों। एक शेंगेन वीजा, शेंगेन वीजा एक ऐसा वीजा होता है दोस्तों, 26 देशों का जो अमीर देश हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। उन देशों का एक भी अगर आपको शेंगेन वीजा आपके पास है तो आप किसी भी देश में आप डायरेक्ट जा सकते हैं दोस्तों, वहां अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। एक वीजा, आपको अलग अलग देशों के वीजा की जरूरत नहीं है दोस्तों। अमीर देशों ने अपने क्लब बनाया हुआ है, शेंगेन वीजा आप हासिल कीजिए। आपको तरीके बताएंगे हम वर्कशॉप के अंदर कैसे शेंगेन वीजा हासिल होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं पहले, फर्स्ट, कभी भी यूरोप के देशों में जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, नीदरलैंड, ग्रीस, चेक रिपब्लिक्स, नीदरलैंड, नॉर्वे, हंगरी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन देशों में, अमीर देशों में दोस्तों अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो पहले यहां पे एक कंपनी खोलिए। शेंगेन वीजा जो है दोस्तों, आपकी इस एक वीजा मिलने के बाद आप 26 देशों में जा सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, डीलिंग फाइनलाइज कर सकते हैं। आपको अलग अलग देशों की वीजा की जरूरत नहीं दोस्तों, अमीर देश है, पैसा कमाने के चांस बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको पांच चीज, फर्स्ट रेजिडेंसी परमिट, सेकेंड शेंगेन वीजा, थर्ड बीटीआई नंबर, फोर्थ किन देशों का जो ग्रुप है जहां से आप शेंगेन वीजा को इजीली मिल सकता है, फिफ्थ चैंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन, यूरोपियन चैंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन दोस्तों। अब मैं बताता हूं, फर्स्ट रेजिडेंसी वीजा परमिट जो होता है दोस्तों, ये कोई वीजा नहीं है, ये कोई वर्क परमिट नहीं है दोस्तों। रेजिडेंसी जो परमिट होता है वो किसी यूरोप में किसी ब्रांच को खोलने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है दोस्तों। पहले ये टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, 1-1.5 साल 2 साल के लिए मिलता है। जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप वहां की अथॉरिटी को दिखाते हैं आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक के लिए आपको मिल जाता है और आपकी कंपनी बहुत दिनों तक ग्रो कर सकती है, बहुत लंबे समय तक वहां पर आप स्टे कर सकते हो, रह सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, रेजिडेंसी परमिट के लिए एक दोस्तों प्रपोजल बनाइए बिजनेस प्लान का, और ऐसा शो कीजिए कि वहां के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटी है, उनको ये लगे कि इस जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो कंपनी ब्रांच खोलने वाले हैं उससे वहां के देश को भी कुछ फायदा है, कुछ बेनिफिट्स है, तो आपको रेजिडेंसी जो परमिट्स है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत सी बातें हैं जो टिप्स हैं हम आपको अपनी वर्कशॉप में बताएंगे, आप हमारी वर्कशॉप अटेंड कीजिए दोस्तों। दिल्ली में रेगुलरली होती है और देश के अलग सिटीज में ये वर्कशॉप होती है दोस्तों, आप आइए दिल्ली में आइए, आपको आप आगे बढ़िए दोस्तों। अब बहुत हो गया आपको एशिया या इन दो छोटे छोटे देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था, अब अमीर देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए दोस्तों। मेरा प्रॉमिस आपके ऊपर धन बरसेगा, आपको हम टिप्स ऐसे बताएंगे आपका पैसा कभी नहीं रुकेगा दोस्तों। एशिया के देशों में हमेशा क्रेडिट पे देते हैं सामान, पैसा आने में टाइम लगता है, आप अमीर देशों में जाइए आपको पैसे आने में टाइमिंग नहीं लगेगा दोस्तों।
आपको मैंने बताया रेजिडेंसी परमिट के बारे में, पहले ये शॉर्ट बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है, जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा, जो हम तरीके बताएंगे यूरोप में बिजनेस ग्रो करने के, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। एक बिजनेस प्रपोजल बनवाइए, वहां बनाइए, वहां की अथॉरिटी को दीजिए। ऐसा बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए दोस्तों, उनको लगे कि इस देश में आपके इस बिजनेस से उनको भी फायदा। दोस्तों बहुत जल्दी रेजिडेंसी परमिट आपको मिल जाएगा दोस्तों। बाकी हम तरीके सारे वर्कशॉप में बताएंगे। और दोस्तों कैसे मिलेगा, क्या क्या इसके रास्ते हैं रेजिडेंसी परमिट के, ये सारी चीजें हम आपको वर्कशॉप में बताएंगे दोस्तों। दूसरा, शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा दोस्तों 26 देशों का एक अमीर देशों का एक समूह है। अगर आप कोई शेंगेन वीजा आपको मिल जाता है दोस्तों, तो 26 देशों में आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बिना आपके पासपोर्ट और शेंगेन वीजा से आप 26 देशों में घूम सकते हैं, बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, बीटीआई नंबर। दोस्तों बीटीआई नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जो हासिल करने के बाद आपको 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 काफी सपोर्ट मिलता है वहां की गवर्नमेंट से। तो ये बीटीआई नंबर कैसे हासिल किया जाता है, सब सब ये हम आपको वर्कशॉप में बताएंगे। थर्ड, सॉरी दोस्तों, आपका फोर्थ जो है दोस्तों, आपका यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। आपको काफी हेल्पफुल करेगा, आपके पैसे का जो फ्लो है आपको बहुत जल्दी मिलेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अब दोस्तों मैं आपको एक बता रहा हूं कैसे शेंगन वीजा आपको मिले दोस्तों। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये शेंगन वीजा काफी इजीली दे देते हैं, आपके इंटरव्यू में काफी इजीली मिल जाती है शेंगन वीजा दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बता रहा हूं, नीदरलैंड से, स्विट्जरलैंड से आप अप्लाई करते हैं दोस्तों शेंगन वीजा के लिए, बहुत लंबे टर्म, बहुत लंबे समय तक शेंगन वीजा आपको मिल जाता है दोस्तों, बहुत लंबे समय तक। और कुछ मैं आपको डिप्लोमेटिक तरीके अपने वर्कशॉप में बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी ब्रांच यूरोप में खोले दोस्तों। इंडिया में तो आपने खोली हुई है, अगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं मेरी वर्कशॉप में आइए, और ये बिल्कुल अमेजिंग वर्कशॉप है दोस्तों, आप अपने बिजनेस को यूरोप में, पूरे यूरोप में फैलाइए दोस्तों, अलग अलग देशों में ब्रांच खोलिए यूरोप में। ये सारी मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा दोस्तों, हम आपके अलग अलग देशों में कैसे आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ब्रांच कंपनी खोल सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, आपको अपनी सीट बुक करवानी है दोस्तों, ये मौका चूके ना दोस्तों, सीट बुक करवानी है। दिल्ली में हमारी रेगुलर वर्कशॉप होती है और देश के अलग अलग भागों में, अलग सिटीज में हमारी वर्कशॉप होती है। पहला दिन इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, क्या इंपोर्ट ड्यूटी है, कैसे शिपिंग करनी है दोस्तों, कैसे माल को भेजना है, क्या कैसे लाइसेंस लेना है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देते हैं जिससे आपको अपने घर बैठे, अपने अपने घर से आप सारे लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जब वो बन जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएंगे दोस्तों, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड डे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, कॉन्टिनेंटल डे दोस्तों, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, और कंपनी कैसे खोलनी है, ब्रांच कैसे खोलनी है, यूरोप में कैसे खोलनी है, नीदरलैंड में कैसे खोलनी है, फ्रांस में, हंगरी में, जर्मनी में कैसे खोलनी है, चेक रिपब्लिक में कैसे खोलनी है, ग्रीस में कैसे खोलनी है, साइप्रस में कैसे खोलनी है, कनाडा, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच कैसे खोलनी है। आप जैसे टाटा की तरह आगे बढ़े, एक ब्रांच अलग अलग देशों में कैसे खोलनी है दोस्तों, आइए मेरी वर्कशॉप अटेंड कीजिए दोस्तों। आपको वो आप इतने हाई लेवल पे आप सोचेंगे, आप नेक्स्ट डे से वर्क आप अपने बिजनेस के लिए आप नेक्स्ट डे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी आप लगा सकते हैं, एक कमरे से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। बिजनेस का एक रूल याद रखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, पैसा कम होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज कम है और पैसा ज्यादा है तो हमेशा दोस्तों बिजनेस गिरेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, पैसा कम है, बिजनेस हमेशा बढ़ेगा दोस्तों। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो बिजनेस गिरेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें याद रखे, ऐसी टेक्निक रखे, बायर आप ढूंढ सकते हैं, बायर ये पहचान सकते हैं असली या डिफॉल्टर है दोस्तों, हमेशा अमीर देशों में एक्सपोर्ट कर रही है, अपनी कंपनी की ब्रांच खोलिए अलग अलग देशों में, इससे आप बढ़ेंगे दोस्तों आगे, पैसा पैसा बरसेगा बिल्कुल आपके ऊपर। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिए दोस्तों, हमारे पुराने वीडियोज देखिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी बात हो, कोई भी
कोई भी आपको कुछ पूछना हो, या अपनी 2 दिन की वर्कशॉप, जो अमेजिंग वर्कशॉप अटेंड करवानी हो ब्रांच खोलने के लिए, यूरोप की इन देशों में अपनी कंपनी के ब्रांच खोलने के लिए, तो हमारी वर्कशॉप अटेंड कीजिए दोस्तों। कोई भी बात हो, कोई भी अपनी वर्कशॉप की बुकिंग करवानी हो या कुछ भी वैसे पूछना हो, तो बेझिझक मेरे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए और मुझसे पूछिए दोस्तों। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा दोस्तों, और आपको बढ़ाने में आपका हमेशा साथ दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।